हम इंसानों ने भी ना बिना मुखट्टों के कई मुखट्टे पहने हैं। 8 मार्च को हम कहेंगे, सफलता सिर्फ मेहनत और लगन देखती है, महिला और पुरुष का फर्क नहीं देखती। और बाकी पूरा साल हम ही ग्लास सीलिंग की पूजा करेंगे। ग्लास सीलिंग यानी एक प्री कंसीव्ड नोशन कि कोई भी प्रोफेशनल फील्ड में महिला, विमेन, लेडी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ग्रोथ कर सकती है, वहाँ तक ही उनका प्रोग्रेस लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उन्हें काम के अलावा घर भी संभालना होता है, दे हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उन्हें निभानी होती है, पूरी करनी होती है। और क्रिकेट में तो जब किसी प्लेयर ने शादी कर ली और फैमिली प्लानिंग का सोचा, उसी वक्त उसके कैरियर के आगे एक फुल स्टॉप आ गया। वैसे एक मान्यता है, एक पूर्वाग्रह है, जैसे हर मोगेम्बो के लिए एक मिस्टर इंडिया होता है, वैसे ही हर मिथ के लिए एक मिथ ब्रेकर होता है। और दिल्ली की नेहा तनवर ने यह साबित किया है कि एक विमेन क्रिकेटर एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए अपने क्रिकेटिंग करियर को कंटिन्यू कर सकती है, अपने एम्बिशंस चेज कर सकती है, और प्रेगनेंसी इज नॉट अ फुल स्टॉप टू क्रिकेट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और फिर मैम, जब आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, तब तक मुझे ये पता चला कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन तब आपके कलीग्स, टीम मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कुछ कहा था? किस किस चीज के लिए? फैमिली प्लानिंग मैम। फैमिली प्लानिंग के लिए मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं अब फैमिली प्लानिंग करने वाली हूँ या ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था और काफ़ी लेट मैंने ये लिया था, क्योंकि शादी को लगभग 3 साल हो गए थे और मेरे ऊपर थोड़ा फैमिली प्रेशर भी था इस चीज़ के लिए, और जबकि मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरी फैमिली काफ़ी मुझे सपोर्ट करती है, तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, 3 साल, मुझे फैमिली प्लानिंग अब कर लेनी चाहिए। तो 14 फरवरी 2014 मेरा लास्ट मैच था फरोशा कोटला स्टेडियम में, दिल्ली में, रेलवेज वर्सेस हैदराबाद। तो वो मैच खेलने के बाद वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया था। उस मैच के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं फैमिली प्लानिंग के लिए जाऊंगी। तो उसके बाद मैंने फैमिली प्लान किया और 14 अक्टूबर 2014 को मेरा बेटा हुआ था मुझे। और फिर मैम, तब आपने ऐसा सोचा था कि आप मैं वापस क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं जाने वाली? हाँ, ये मैं पहले से ही मैंने सोच लिया था कि जब मैं अभी भी प्लान करूंगी तो मैं दोबारा क्रिकेट नहीं खेलूंगी, मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि ऐसा खुद मेरे माइंड में भी ऐसा ही था कि मैं कर नहीं पाऊंगी, ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसी इम्पॉसिबल चीज है, हमेशा से ही ये माइंड में, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैं इंडियन हूँ, इंडियन समाज में रही हूँ, तो हमेशा से वही मेंटेलिटी मेरी भी थी जैसे कि और लोगों की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा सोचती थी या नहीं, मैं भी उसी मेंटेलिटी में जी हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में मैंने सर्वाइव किया है, वैसी ही थिंकिंग मेरी भी थी। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वापस जाऊँगी अपने उस करियर में, लेकिन जो मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था उसमें मैंने हमेशा से, और मैंने किसी चीज़ लड़कियों को मैंने ऐसा मैंने पढ़ा अपने उसमें, अपने जो प्रेगनेंसी टाइम था, मैं गूगल करती थी काफ़ी, मैं उस बारे में पढ़ना चाहती थी, तो मैंने उसमें काफ़ी पढ़ा है कि उसमें ना क्रेविंग होती है, तो मुझे एक ना किस चीज़ की क्रेविंग होती थी, मुझे क्रिकेट खेलने की क्रेविंग होती थी, ये आप कह सकते हो। मुझे हमेशा से ही किसी और चीज़ की मेरे को ध्यान नहीं रहता था, कुछ ध्यान नहीं रहता था, किसी बारे में सोचना नहीं, सारा दिन क्रिकेट मैच देखना, खाली टाइम पे क्रिकेट की वीडियोज़ देखना, अपनी मैचेस की वीडियोज़ पड़ी हुई थी लैपटॉप पे, मैं वो देखती थी, अपना मैच रिकॉर्ड था मेरा, टीवी में मैच रिकॉर्ड किया हुआ था फैमिली ने, मैं वो देखती रहती थी। तो मुझे लगा ही नहीं यार कि मैं चाह रही थी कि मैं क्रिकेट छोड़ूंगी, लेकिन शायद मेरा क्रिकेट मुझे नहीं छोड़ने वाला है। डेली अपना बैट उठा के शैडो करना, फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे अरे अभी मत उठाओ, वेट है इसमें, अब तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो चीज़ मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को कितना मिस कर रही थी, कितना फील कर रही थी। और पूरा टाइम जो मेरी प्रेगनेंसी टाइम का, वो मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंटली मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही खेला है, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में नहीं किया। लेकिन उस टाइम मैंने फिर अपनी फैमिली से बात की कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी खेलना चाहती हूँ क्रिकेट, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी ये टाइम निकलने दो, फिर इस बारे में बात करते हैं, सोचते हैं। तो फिर जब मेरा बेटा हुआ, उसके बाद जब थोड़ा सा मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर, फिजिकली भी और मेंटली भी थोड़ा सा उस चीज़ से मैं जब अपने आप को बाहर सोचा, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है अपनी हेल्थ की केयर करो, और क्रिकेट चाहो तो तुम खेल सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ की केयर करना, और
ये मत भूलना कि अभी तुम्हारा बेटा भी है छोटा, तुम उसका भी ध्यान रखना है, तो सारी चीजें तुम्हें मैनेज करनी है, तुम कर सक, तुम देखो कैसे करना है तुम्हें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं अपने क्रिकेट के लिए। तो बस वो टाइम था, धीरे धीरे मैं अपने क्रिकेट करियर में वापस जाना चाहती थी, हालांकि मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, शायद मैंने इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने धीरे धीरे, अब मैं आज इस स्टेज पे हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि सिर्फ मैंने ही किया है, तो मैं चाहती हूँ कि और भी गर्ल्स जिनका सिर्फ क्रिकेट ही करियर नहीं हो सकता कि क्रिकेट ही खेलना है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लड़कियाँ सोच लेती हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में रहने के बाद कि मैं बेबी होने के बाद ये सब नहीं कर सकती, या हमें समाज करने नहीं देगा, या फिर मेरी मेरी फिजिकल हेल्थ मुझे करने नहीं देगी। तो मैं उन सब लड़कियों को आज के टाइम पे मैं सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हूँ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और मैम इट इज ऑब्वियस के श्लोक के आने के बाद आप में फिजिकल चेंजेस आए होंगे, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया, वो जर्नी कैसी थी गोइंग बैक टू द ग्राउंड? या मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि आपका प्री मैच्योर बेबी होने के चांसेस 100% है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मुझे केयर करनी थी या जो भी था, तो मुझे श्लोक जो हुआ वो प्री मैच्योर हुआ है। 7.5 months में मेरी डिलीवरी हो गई थी, और सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद बोला जाता है कि एक ऑपरेशन ही है, जिसके बाद बोला जाता है कि काफ़ी केयर करनी पड़ती है और काफ़ी वेट गेन उसमें हो जाता है, और कभी भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद कभी लड़की की वो बॉडी कभी नहीं हो सकती जो कि उसकी डिलीवरी से पहले थी, ऐसा मैंने पढ़ा था, ऐसा सुना था। हाँ, तो डिलीवरी होने के बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ा। मेरा बेटा काफ़ी वीक था, प्री मैच्योर था, बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेता था, उसकी उसकी इम्यूनिटी आज भी वीक है, अभी वो 6 साल का होने वाला है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी और जो 6 साल के बच्चे हैं उनसे काफ़ी वीक है अभी भी, तो अभी भी बहुत केयर उसकी करनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों में। तो उस टाइम तो और ज़्यादा था कि बहुत ही छोटा था, तो कुछ टाइम वो नर्सरी में रहा है, और उसके बाद भी घर में बिल्कुल बंद करके उसको रखना पड़ता था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे उस टाइम पर फेस करनी पड़ी अपने बेबी के साथ कि इसकी हेल्थ ठीक रहे। और काफ़ी सारे वो टाइम मेरे लिए एक सबसे बड़ा मैं चैलेंज कहूँगी अपनी लाइफ में, मैंने आज तक मैंने इंडिया खेलने के लिए भी बहुत मेहनत की है, लेकिन मैंने अपने बेबी को उस टाइम पे अच्छे से सरवाइव करने के लिए, अपने बेबी के साथ उसकी लाइफ सरवाइव करने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत की है। और मैम श्लोक कितने साल का हुआ या कितने महीनों का हुआ फिर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया क्रिकेट में वापस आने के लिए? हाँ, मैंने आफ्टर श्लोक जब 6 months का था, उसके बाद मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी इतनी जल्दी आप स्टार्ट मत करो, आपकी बॉडी सी सेक्शन से निकली है अभी जस्ट, तो आप इतनी जल्दी स्टार्ट करोगे तो शायद कुछ आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने फिर मैंने 1-2 महीने का टाइम और लिया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे फिर से बोला कि आप थोड़ा सा और आप रेस्ट करो, अभी आप इतनी जल्दी स्टार्ट मत करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ स्टार्ट, एकदम से बहुत ज़्यादा मैं स्टार्ट नहीं कर पाई, बूस्ट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे स्टार्ट किया, और फर्स्ट आफ्टर डिलीवरी जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा वेट इतना ज़्यादा 20 और 22 kg के बीच में मैंने गेन कर लिया था, और मुझे अच्छे से याद है कि मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, वॉक भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था करना, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था कि मुझे वॉक करने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे फील होता था, मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी तो मैं अपने आप को सोचती थी यार कि ये कोई लग नहीं रहा कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है यार, कि ऐसे खड़ी हूँ मैं सामने, मुझे खुद ही फील होता था, बहुत शर्म आती थी अपने आप को देख के। तो काफ़ी वो टाइम मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग मैं बोल सकती हूँ, और धीरे धीरे फिर मैंने जब अपना वर्कआउट शुरू किया, थोड़ा स्टार्टिंग में पहले वॉक करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे स्लो रनिंग स्टार्ट की, तो और इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था कि ऑफिस में जो मेरे कलीग्स थे मेरे सामने से निकल जाते थे, बट पहचानते नहीं थे मुझे, पहचान नहीं पाते थे वो, सामने से निकल जाते थे, तो इतना ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था, मैं खुद नहीं पहचान पाती थी अपने आप को, तो ये सब देख के ना काफ़ी बुरा मुझे लगता था अंदर से यार कि ये क्या हालत हो गई है मेरी, मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने आप को ऐसे देख नहीं सकती। तो उस चीज़ के लिए खेलने के लिए फिर मुझे क्रिकेट भी स्टार्ट करना था, और नेक्स्ट ईयर ही मैं चाह रही थी कि स्टार्ट करना, मैं चाहती नहीं थी कि मैं 1 साल ड्रॉप करूं, क्योंकि 1 साल मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता था कि मैं 1 साल क्या करूंगी अगर मैं नहीं खेलूंगी, तो मैं सिर्फ इसके लिए मैं सिर्फ पीछे नहीं भागना चाहती, मुझे उसको हासिल करना है, मैं उसके पीछे नहीं भाग सकती,
तो बस मैंने धीरे 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 करके अपना वर्कआउट बढ़ाया, और मेरे पास कोई ट्रेनर नहीं था, कोई फ्रेंड नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था कि मैं वेट कम करने के लिए, कोई डाइट प्लान नहीं था, तो सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी विल पावर से, या फिर जो जो है कि एक मेरे अंदर जुनून था जो कि मुझे हमेशा मुझे पुश करता रहता था उस चीज़ की तरफ, तो उस चीज़ से मैंने काफ़ी कुछ अपना वेट कम किया पहले, फिर इस चीज़ में मैंने दोबारा से एंट्री ली। और कितने टाइम में मैम यू आर बैक टू नॉर्मल? मैं आफ्टर वन ईयर मैं बिल्कुल ठीक, डिलीवरी के बाद एक साल के बाद ट्रायल स्टार्ट हुए थे, जैसे श्लोक की डिलीवरी 14 अक्टूबर को हुई 2014, और 2015 अक्टूबर को ट्रायल्स हमारे डेली टीम रणजी ट्रॉफी के ट्रायल स्टार्ट हो गए थे, मुझे अच्छे से याद है अक्टूबर में मैं ट्रायल देने गई थी अक्टूबर नवंबर में, तो एक साल में मैंने इतना इतना अपने आप को फिट कर लिया था कि लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था। तो जब मेरी डिलीवरी हुई तब मेरा वेट 82 था, डिलीवरी से पहले मेरा वेट 82 था, और डिलीवरी के बाद 82 वेट था, और उसके बाद जब मैं ट्रायल देने गई तो मेरा 62 केजीज मेरा वेट था। तो और कुछ लोगों को तो पहचान में इतना भी नहीं लग रहा था कि ये डिलीवरी करके आई है, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि मेरी डिलीवरी हुई है, उनको नॉर्मल लग रहा था कि सब जैसा पहले था ऐसा ही नॉर्मल है, लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि ये इसकी डिलीवरी हुई है तो वो काफी शॉकिंग थे, वो लोग उनको समझ नहीं आ रहा था कि रियली में ऐसी सच में ऐसी नहीं है। तो उस टाइम जब मैं ट्रायल देने गई तो तब मुझे काफी अच्छा लगा कि काफी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस टाइम पर। आपने वो 6 महीने के ड्यूरेशन में अराउंड 20 केजीस वेट लॉस कर लिया, राइट? जी बिल्कुल। और फिर मैम आपने वो वाला स्टेज सब क्रॉस कर लिया, लेकिन फिर एक और डिसअपॉइंटमेंट आई थी, वो सीजन अच्छे नहीं रही थी, डिलीवरी के बाद में गई थी तो अपने स्किल्स पे मैं इतना काम नहीं कर पाई, किया मैंने वर्क किया, स्किल्स पे भी वर्क किया, वेट लॉस पे ज्यादा वर्क किया, फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दिया। तो वो सीजन में जब खेलने गए रायपुर हम लोग खेलने गए थे, और नहीं गोवा गए थे हम लोग खेलने के लिए टूर्नामेंट, हम गोवा खेलने गए थे दिल्ली रणजी ट्रॉफी से, और वो सीजन मेरा मुझे अच्छे से याद है पूरे सीजन 8 से 10 मैचेस में मेरा टोटल स्कोर 18 था, जो कि मेरा कभी इतना लोएस्ट स्कोर मेरा कभी पूरे टूर्नामेंट में कभी नहीं रहा, इवन मैं लास्ट 2 साल पहले मैं इंडिया की हाईएस्ट रन गेटर भी रही हूँ, लेकिन कभी मेरा इतना कम स्कोर मेरा कभी भी नहीं रहा, वो सीजन मेरे लिए टोटली फ्लॉप था, और कुछ भी कह सकते हैं उसी, मुझे वो चीज़ आज तक नहीं समझ आई कि उसका इतना खास कोई रीज़न क्या रह सकता है, शायद मैं डिलीवरी के बाद गई थी उतनी ज़्यादा फिट नहीं थी कि मैं अपने परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, या उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो सीज़न मेरे लिए टोटली फ्लॉप था, और उस टाइम मैंने फिर से ये मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने डिसाइड किया कि ऐसे अगर मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ रणजी ट्रॉफी में मैं सिलेक्ट हो रही तो अपना मैं इंडिया में कमबैक करने का सपना कैसे पूरा करूँ, तो मैंने फिर से थोड़ा अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया, अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस पे काफी ध्यान दिया, बैटिंग पे काफी ध्यान दिया, और मुझे अच्छे से याद है उससे नेक्स्ट सीजन जब मैंने खेला दिल्ली से तो मैं इंडिया में हाईएस्ट 5th नंबर पे थी रनिंग रन्स गेटर में, इंडिया में 5वें नंबर पे मैं रही, और मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया अपनी टीम के लिए, मैंने 4 to 5 हाफ सेंचुरीज मैंने लगाई थी, और काफी अच्छी फील्डिंग परफॉर्मेंस बॉलिंग परफॉर्मेंस मेरी काफी अच्छी रही थी, तो वो साल मैंने कमबैक किया, और जिस साल मेरा सीजन अच्छा नहीं रहा था ना मुझे काफी सारे मैं कह सकती हूँ कि आलोचक जो लोग होते हैं ना उन्होंने काफी बहुत सुनने को मिलता था, बहुत बोलते थे वो लोग कि ये अब कहाँ खेल पाएगी, मुझे अच्छे से याद है नाम मैं लूंगी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो कि मेरे साथ ही खेले थे मेरे साथ ही प्लेयर हमेशा से ही रहे हैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स रहे हैं इनके अंडर मैं खेली हूँ हमेशा, तो उनसे मुझे सुनने को काफी मिला कि ये अब क्यों खेलेगी, अब ये क्यों आई है खेलने के लिए, इस साल भी खराब हो गया, अब ये इसको मत खिलाओ, इसको टीम में मत लो, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी पिंच हुई उस टाइम पे कि मुझे खुद बुरा लग रहा था, और मैं किसी को वो नहीं कहती कि लेकिन मैं मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना था, वो चीज़ जो मुझे सुनने में आ रही थी जो चीज़ मेरे लिए बोली जा रही थी मैं उस चीज़ के लिए डिजर्व नहीं करती थी, तो मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना था, और इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत की और नेक्स्ट सीजन मैंने अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वीरेंद्र सहवाग जो वहां से ही है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन और स्पेशली क्रिकेटर्स को हमेशा आलोचकों की बोलती अपने बैट से बंद कर देनी चाहिए, और आपने वो कर दी, बिल्कुल कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कोच ने हमेशा मुझे एक बात सिखाई है कि
तुम्हारे बारे में कभी भी कोई भी बात हो, कभी मुंह से जवाब मत देना, हमेशा अपने बैट से जवाब देना, क्योंकि क्रिकेटर कभी मुंह से जवाब नहीं देता, एक अपने हमेशा अपने बैट या बॉल से जवाब देता, हमेशा उन्होंने मुझे यही चीज सिखाई। और मैम फिर 2-2.5 साल बाद फाइनली इंडिया एक कॉल अप आया, तो वो खुशी कैसी थी और वो एनवायरमेंट कैसा था घर? मैं जब मैंने अपना डोमेस्टिक दिल्ली से खेला, मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं शायद आगे के लेवल पे शायद मैं अब सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, इंडिया में 2nd हाइएस्ट रन गेटर रही थी उस टाइम पे मैं, तो मैंने उम्मीद की थी कि काफ़ी मुझे शायद कॉल आए, तो उस टाइम मुझे चैलेंजर के लिए कॉल किया गया और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो फिर बांग्लादेश ए सीरीज, इंडिया ए सीरीज के लिए मुझे कॉल आई और वो चीज़ काफ़ी मैं बता सकती हूँ कि मैं उस चीज़ टाइम पे मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मेरी फैमिली को इतनी खुशी हो रही थी कि नेहा इतनी ज़्यादा मेहनत करती है तो एटलीस्ट उसको रिजल्ट मिला, और मैं ये कहूँगी कि मुझसे ज़्यादा मेरे इन लॉज, मेरी फैमिली मुझसे ज़्यादा खुश थी कि नेहा इतनी मेहनत कर रही है, उसको उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। हमेशा मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ हमेशा मुझे यही बोलते हैं कि मेहनत करते रहो, कभी ना कभी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, तो और मैं ये कहूँगी कि मेरी मेहनत के साथ उनकी भी मेहनत थी जो इस मैं इस स्टेज पे पहुंची और इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई। और मैम क्रिकेट से प्यार कब और कैसे हुआ और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैम क्रिकेट से मुझे हमेशा से ही काफी हमेशा से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है क्रिकेट में, बहुत छोटी एज से मैं कहूंगी कि वो छोटी एज से मैं क्रिकेट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी, और 10 से 12 साल की सिर्फ मेरी उम्र होगी जिससे जिसमें कि मैं पूरे वर्ल्ड की टीम के क्रिकेटर्स के नाम मुझे पता थे, सबका बैटिंग ऑर्डर पता था, सबका बॉलिंग ऑर्डर मुझे पता था और सबकी स्पेसिफिकेशंस मुझे पता थी उस टाइम पे, तो बहुत कम एज में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँगी और मैं क्रिकेट फील्ड में जाऊँगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इंटरेस्ट मुझे हमेशा से क्रिकेट में ज़्यादा रहा है। और मैम जब वुमेन्स क्रिकेट तो ब्रॉडकास्ट नहीं होता था, तो आपको आपने किसको देख के क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, आपका आइडल कौन था? आइडल मेरे हमेशा से ही क्रिकेट क्रिकेट में आइडल राहुल द्रविड़ सर हमेशा से ही मेरे आइडल रहे हैं, और मैंने हमेशा से उनको खेलते देखा है, उनको उनको फॉलो किया है, उनके साथ मैंने ये बोलूंगी कि मैंने उनको बैटिंग करते हुए अपने सामने देखा है, जब मैं इंडिया कैंप अटेंड करने गई थी बेंगलोर में, और राहुल द्रविड़ सर भी बेंगलोर से ही बिलोंग करते हैं, तो वो भी है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस करने आए थे और हम लोगों का कैंप भी उधर ही लगा हुआ था, तो उस टाइम पे सर को मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, छोटी छोटी मिस्टेक्स को वो इस तरीके से रेक्टिफाई कर रहे थे, एक चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती है तो उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है, बहुत ही बारीकियों में जाके अपनी गलतियों में सुधार कैसे किया जाता है, ये चीज़ मैंने हमेशा से उन्हें सीखी है और हमेशा से ही उनको फॉलो किया है खेलने के लिए। और मैम फिर आपने पहली बार स्कूल से आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल या वो लेवल पे प्रोग्रेस कैसे हुआ मैम? मैंने क्रिकेट स्टार्ट मैंने तब किया, स्कूल में मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था इवन गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती हैं, मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी तो मेरे पास काफ़ी काफ़ी सारे गेम मैंने स्कूल टीम से खेले थे, अपनी डेली टीम से खेले थे, तो उसके सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे, तो मेरी कज़न थी जो कॉलेज से क्रिकेट खेलती थी, तो उसने मुझे बोला था कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन करा सकती हूँ कॉलेज में, तो किसी कॉलेज में ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि स्पेशली इसी कॉलेज में जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था, तो मैं ट्रायल देने के लिए एथलेटिक्स के मेरे पास सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे, मेडल्स थे, तो मैं वो लेके ट्रायल्स के लिए गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे वेट करी तो एथलेटिक्स का ट्रायल वहाँ पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो मैं वेट कर रही थी लेकिन वहाँ पे कोच नहीं आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि एथलेटिक्स का ट्रायल कल होगा, और वहाँ पे साथ में क्रिकेट का ट्रायल चल रहा था, क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल चल रहा था, तो मैंने सोचा यार कि कॉलेज में तो एडमिशन चाहिए, एथलेटिक्स खेलूँ या क्रिकेट खेलूँ कुछ इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने क्रिकेट का ट्रायल दिया, और हमेशा से जो गली क्रिकेट मैंने खेला था बॉयज के साथ, अपने अपने सोसाइटी के बच्चों के साथ, हमेशा से जो मैंने गली क्रिकेट खेला था, बस मारना है बॉल जहाँ भी आ जाए मारना है, तो मैं ट्रायल मैंने दिया और बस बॉल भगवान की दया से उस टाइम बॉल कनेक्ट हो गई, तो उनको काफी पसंद आया कि यार ये लड़की तो बहुत जोर से मार रही है, इसको सिलेक्ट कर लो क्रिकेट टीम में, इसको खिलाएंगे, तो बस उस दिन मेरा क्रिकेट मेरा स्टार्ट हो गया था कॉलेज टीम से खेलना, और वही दिन है जिससे मेरा इंटरेस्ट धीरे 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 इतना बढ़ गया जो कि एक पागलपन में चेंज हो गया, और हमेशा से उसके बाद से मेरा एक ही एम हमेशा रहा है कि मुझे अपने कंट्री के लिए क्रिकेट खेलना है।
और आपको पहली बार कब पता चला कि इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम भी है? मुझे पता चला जब मैं कॉलेज टीम में मैं सिलेक्शन हो गया खेलने के लिए, तो मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे बोला मुश्किल से 10 or 20 days हमने प्रैक्टिस की होगी, तब मुझे सर ने बोला कि मुझे तेरी लगन बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझे कंट्री के लिए खिलाऊंगा। तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है कंट्री लेवल तक? कहते हाँ। मैंने कहा सर कंट्री लेवल क्या होता है? जो इंडिया टीम में हम सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ सर को खेलते हुए देखते हैं वो होता है कंट्री लेवल। तब उन्होंने बताया हाँ बेटा वही कंट्री लेवल होता है, उन्होंने मुझे समझाया। तब उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे कंट्री जरूर खिलाऊंगा, और उस दिन सर ने मुझे बोला और उस दिन से वो बात मेरे दिमाग में घुस गई, और उस टाइम से मेरा एम बन गया कि मुझे अपनी कंट्री के लिए खेलना ही खेलना है। मैम वो कौन सा साल था जब आपके सर ने पहली बार आपको ये बोला था? दैट वाज व्हिच ईयर? 2003 2004। ओके, और फिर ग्रेजुअली आपने प्रोग्रेस किया एंड यू मेड योर इंडिया डेब्यू। यस मैम, मैंने पढ़ा है कि बॉलिंग कम्स वेरी नेचुरल टू यू, आपको बॉलिंग के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो क्या स्टोरी है मैम? मैं एक्चुअली कॉलेज टीम से मैंने खेलने लगी तो एडमिशन मैंने लिया एज अ कॉलेज टीम में, तो अपने मैं एज अ हमेशा ओपनर बैट्समैन रही थी, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज टीम बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे नहीं होता है, छोटा सा किसी भी लड़की को थोड़ा सा भी क्रिकेट खेलना आता है तो आ जाओ तुम क्रिकेट खेलो हमारी टीम पूरी नहीं होगी, तो ऐसा उस टाइम पे ऐसा लेवल था, ज़्यादा लड़कियाँ क्रिकेट खेलती नहीं थी। तो मैंने बैटिंग हमेशा से स्टार्ट किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि दिल्ली की स्टेट की भी टीम्स होती हैं, अंडर 19 की टीम्स होती हैं, उस टाइम मैं अंडर 19 थी, 17 एज थी मेरी उस टाइम पे, तो मैं ट्रायल्स के लिए गई थी दिल्ली टीम के, तो मैंने वहाँ पे मुझे एज अ बैट्समैन उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। मैं ऑफ स्पिन ठीक ठाक बॉल में डाल लेती थी, बहुत ही नॉर्मल बहुत ही कॉमन बेसिक बॉल में डाल लेती थी, तो बैट्समैन उन्होंने कंसिडर नहीं किया क्योंकि उनके पास इंडिया ए वगैरह लेवल के अच्छे बैट्समैन थे, तो उन्होंने मुझे कंसिडर ही नहीं किया। और सर ने बोला ट्रायल के लिए ऑफ स्पिन भी ट्राई कर सकती है, ऑफ स्पिन के लिए ट्रायल देना, तो मैंने ऑफ स्पिन के लिए ट्रायल दिया, तो मैं अंडर 19 दिल्ली टीम में एज अ ऑफ स्पिनर पहले साल मैं एज अ ऑफ स्पिनर में सिलेक्ट हुई थी, और मैंने एज ऑफ स्पिनर ही मैंने अपना अंडर 19 करियर स्टार्ट किया क्रिकेट का। उसके बाद धीरे धीरे मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अंडर 19 का फर्स्ट ईयर में मैं सिलेक्ट हुई तो मैं 11वें नंबर पर बैटिंग करने जाती थी, मुझे बैटिंग करने का बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था कि मैं कॉलेज से तो मैं ओपनिंग करती हूँ, मुझे यहाँ पे 11वें नंबर पर 10वें नंबर पर बैटिंग की जाती है, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं 1 down 2 down जल्दी से मैं पैड अप करके पहले ही बैठ जाती थी, पूरी टीम की बैट्समैन पैड अप नहीं है लेकिन मैं 10 down बैटिंग करने जाना है, मुझे मेरा बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं है लेकिन मैं पहले से पैड अप करके बैठ जाती थी कि मुझे शायद बैटिंग के लिए भेजेंगे, लेकिन मेरी बैटिंग आती थी 10वें नंबर पर और कभी कभी बैटिंग आती ही नहीं थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा एक मैच में कि मैं पैड अप करके बैठी और मुझे बैटिंग नहीं भेजा। तो वो टाइम पे मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने सोचा मैं यार एज अ बैट्समैन ही करूंगी, मुझे बैटिंग ही करनी है, मैं बैटिंग बैट्समैन बन के दिखाऊंगी। तो और नेक्स्ट ईयर जब मैं खेलने के लिए दिल्ली अंडर 19 से स्टार्ट हुई तो मैं दिल्ली की कैप्टन थी एज अ ओपनर बैट्समैन, तो मुझे वो दिन हमेशा से याद है। मैम एक साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ कि टैलेंडर से ओपनर, वो भी अलोंग विद बीइंग कैप्टन, तो आपने वो ड्यूरिंग उस एक साल कितनी प्रैक्टिस की थी एवरीडे? मैंने मेरी हमेशा से शुरू से मेरा एक नेचर रहा है कि अगर मुझे कुछ लगा कि मुझे ये करना है तो फिर मैं, मुझे आसपास कुछ दिखाई कभी दिया नहीं कि मुझे ये करना है, तो मैं उसी लाइन में हमेशा जाती हूँ, तो ऐसा मेरे पापा मुझे बोलते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं आई टूर्नामेंट खेल के वापस आई, मैं बहुत अपने सर को बताया, मैंने मेरे कोच थे जो उनको बताया कि सर ऐसे हो, तो उन्होंने बोला क्या करके आई, क्या परफॉर्मेंस रहा तेरा? मैंने कहा सर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, मुझे बैटिंग ही नहीं दी और मुझे बॉलिंग भी नहीं दी, तो मैं तो ऐसे ही आ गई, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं बहुत रोई, तो सर ने बोला कि कोई बात नहीं अब की बार अच्छे से मेहनत करके जाना तो अच्छे से उन्होंने खिलाएंगे तुझे। तो सर ने मेरे कोच ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, मैंने भी बहुत मेहनत की, पहले मैं कॉलेज की प्रैक्टिस करती थी, कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद सर एक अकेडमी चलाते थे राम जसपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, अपनी क्रिकेट अकेडमी चलाते थे, कॉलेज के बाद मैं उनके साथ उनकी अकेडमी जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए, मैं वहाँ पे 2 से शाम के 6 तक प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद मैं फिर वहाँ से अपने घर जाती थी। तो ये टाइम मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी ज़्यादा सर ने मेरे ऊपर मेहनत की है, मेरे साथ उन्होंने इतना अपना टाइम दिया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराई जो कि मैं उस टाइम पे लेने के लायक नहीं थी,
मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई किसी किट की या किसी और सामान की। तो मैं कह सकती हूँ कि वो टाइम मैंने इतना मेहनत किया कि नेक्स्ट ईयर जब मैं ट्रायल्स के लिए गई तो मैंने एज अ ओपनर बैट्समैन के लिए ट्रायल अपना नाम रजिस्टर कराया और मैं सिलेक्ट भी हो गई और उसके बाद मुझे कैप्टनशिप भी दिया गया दिल्ली का। 2003-04 की हमने बात की जब आपको पहली बार पता चला कि इंडियन टीम भी होती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तब इंडियन टीम की इतनी रिकॉग्निशन नहीं थी क्योंकि खुद एक बडिंग प्लेयर को पता नहीं था दैट इंडियन टीम खेल रही है और तब विमेंस क्रिकेट में उतना पैसा भी नहीं था और कोई उसे प्रोफेशनल कैरियर की तरह सोच भी नहीं सकता था। तो आपने जब ये डिसीजन लिया कि मुझे इंडिया खेलना है और मुझे इसे अपना प्रोफेशन बनाना है, तो ऑब्वियस है कि घर से और सोसाइटी से काफी क्वेश्चंस हुए होंगे, तो उनको आपने कैसे समझाया? कॉलेज में मुझे पता चला कि इंडिया टीम भी होती है, उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का वुमेन्स का मैच टेलीकास्ट होने वाला है डीडी चैनल पे। तो वो ऐसा दिन था, उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया और सबको घर में सबसे झगड़ा कर लिया कि मुझे टीवी देखना है और मैं अपना मैच देखूंगी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं, तो मम्मी ने मुझे बोला कि ठीक है लेकिन ऐसा गेम खेलती है, सुबह जाती है शाम को आती है, खाना पता नहीं खाती है ढंग से कि नहीं खाती है। तो उनको हमेशा मेरी हेल्थ की हमेशा से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी कि कभी भी बीमार नहीं हो जाए, दूसरा लड़की है अगर फेस पे बॉल लग गया तो कोई शादी नहीं करेगा। तो ये सब चीजें तो मेरी फैमिली ने मुझे किया, लेकिन उनको इस चीज का डर हमेशा रहा, लेकिन कभी ऐसा मैंने किसी तरीके की प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं की कि मुझे उनको उनको मुझे जवाब देना पड़े कि ऐसा है मैं खेल रही हूँ। मुझे उनका हमेशा से ही मुझे सपोर्ट रहा। और आपका एक जनरली एक नॉर्मल डे कैसे होता है, एक रूटीन आपका क्या है? मेरा नॉर्मल रूटीन मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही बिजी है एक्चुअली। सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाती हूँ थोड़ा सा, फिर अपने बेटे को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, श्लोक को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद मैं खुद रेडी होती हूँ ऑफिस के लिए, मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस के बाद हम लोगों का ऑफिस में स्पोर्ट्स कोटे की जॉब है तो हम लोगों को हाफ डे ऑफिस में काम करना होता है और हाफ डे हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो 1:30 बजे के बाद लंच करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ ग्राउंड, वहाँ पे मैं मेरा रूटीन है कि मैं इतने दिन मैं अपनी फिटनेस करूंगी, इतने दिन मैं नेट्स करूंगी, तो वो रूटीन फॉलो करके मैं नेट्स करके फिटनेस बिल्डिंग जो भी मेरा रूटीन है मैं वो फॉलो करती हूँ ग्राउंड पे। तो वहाँ से फिर 6:30 के करीब मैं निकलती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ और मेरा जो ग्राउंड है वो मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। 30 किलोमीटर 30 एक्चुअली मेरा ऑफिस 20 किलोमीटर है मेरे घर से और उसके और 10 किलोमीटर आगे मेरा ग्राउंड है। मैं ऑफिस से ही निकल जाती हूँ ग्राउंड के लिए, फिर वहां से मैं वापस आती हूँ घर पे, तो मुझे पूरा 30 किलोमीटर का रन होता है। तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद घर आती हूँ, घर पे अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, अपने बेटे को पढ़ाती हूँ थोड़ा क्योंकि मैं पूरा दिन उसको टाइम नहीं दे पाती, उसका थोड़ा सा उसको पढ़ाना है, फिर डिनर करना है। तो उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाती हूँ, तो काफी मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। मैम दिन कितने बजे स्टार्ट होता है और आप काम कहाँ पे कर रहे हो, ये दो चीजें मुझे जाननी है। मेरा दिन लगभग सुबह 4:30-5 बजे के आसपास, 4:30 बजे आप कह सकते हो सुबह स्टार्ट हो जाता है और शाम को 10 to 11 o'clock मेरा डे खत्म होता है। मैम आप काफी बिजी रहता है। सॉरी आप करेंटली कहाँ पे काम कर रहे हो? मैं इंडियन रेलवे के लिए जॉब करती हूँ, बड़ौदा हाउस हेडक्वार्टर है इंडिया गेट के सामने, वहाँ पे मेरा ऑफिस है इंडिया गेट के एकदम सामने। और मैम मैंने ये सुना है कि नेहा वांट्स टू जब तक लॉर्ड्स पे जाके सेंचुरी ना मार ले। हाँ मेरा हमेशा से एक सपना रहा है, मैंने हमेशा से जैसे मैं क्रिकेट खेलती थी तो लॉर्ड्स ग्राउंड का हमेशा से एक क्रेज मेरे अंदर रहा है। मैंने हमेशा सुना है, कमेंट्री में सुनती थी तो उसमें हमेशा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड और फिर गांगुली ने अपनी शर्ट घुमाई थी लॉर्ड्स में वो मैच जीतने के बाद, मुझे अच्छे से याद है। तो मुझे हमेशा से ये राय कि यार मुझे लॉर्ड्स जाना है। इवन मैं खेलने गई क्वाड्रेंगुलर से लंदन में गई थी खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड्स में सिर्फ एक फाइनल मैच होना था कि जो फाइनल पहुंचेगी टीम उसका लॉर्ड्स में मैच होगा, लेकिन हमारी टीम क्वाड्रेंगुलर सीरीज में 3rd नंबर पे रही थी, फाइनल हम लोगों ने खेला नहीं था, तो इसलिए मेरा लॉर्ड्स में खेलने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये मैं चाह रही थी कि मैं बहुत जल्दी पूरा करना चाहूंगी। और मैम क्रिकेट कितना चेंज हो गया है,
जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि विमेन्स क्रिकेट में भी वनडे से ज्यादा टी ट्वेंटी को इम्पोर्टेंस मिल रहा है और उस हिसाब से सबको अपनी गेम भी चेंज करनी होती है, तो आपने अपनी गेम चेंज की है उस चीज को देखते हुए या कुछ? हाँ, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था उस टाइम इवन जब मैं क्रिकेट खेलती थी मैं क्रिकेटर थी, मुझे नहीं पता था कि वुमेन्स क्रिकेट की टीम होती है गर, तो और से तो मैं कुछ उम्मीद रख नहीं सकती कि उन लोगों को भी पता हो, तो बहुत ही कम लोग जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे जो कि वुमेन्स क्रिकेट हैंडल कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों से मैं बोलती हूँ कि उन्हीं लोगों को शायद इस चीज के बारे में पता था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है, और किसी को नहीं पता था। जब कभी कोई रिलेटिव घर में आते थे या फिर किसी से बात होती थी तो बोलते थे ये क्रिकेट खेल रही है, तो उनको बड़ा शौक लगता था, अरे क्रिकेट खेल रही है, लड़की क्रिकेट खेल रही है। तो उन लोगों को भी मैं कह सकती हूँ कि उन लोगों को भी नहीं पता था कि क्रिकेट खेलती कि लड़कियां गर्ल्स भी क्रिकेट खेलती है, वो एक टाइम था। और एक आज टाइम है कि लोग वुमेन्स क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं, टिकट खरीद के ग्राउंड पे स्टेडियम में देखने जाते हैं ग्राउंड, तो जितना मैं उस टाइम से अब तक क्रिकेट इतना ज्यादा चेंज हो गया है कि लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई है वुमेन्स क्रिकेट को लेके, इवन वुमेन्स के लिए भी लोगों की मेंटेलिटी काफी चेंज हुई है, लोगों ने अपनी लड़कियों को क्रिकेट खिलाना शुरू कर दिया, जो कि पहले ये सोचते थे कि पढ़ाई पूरी करो और इनकी शादी कर दो, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वो टाइम भी था। और एक टाइम है कि आजकल पेरेंट्स गर्ल्स को बोलते हैं कि कौन सी अकेडमी में इसको एडमिशन कराऊं कि इसको क्रिकेट खेला दूं, अच्छा करना है इसको, ये खेलना चाहती है, तो मैं नहीं चाहता कि ये कोई एथलेटिक टीम में जाए, मैं चाहता हूँ कि ये क्रिकेट खेले। तो आजकल ऐसी भी मेंटेलिटी लोगों की चेंज हुई है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है कि मीडिया कवरेज इसमें काफी अच्छा है, पहले जो कि मीडिया कवरेज नहीं था इसी वजह से शायद लोगों को पता ही नहीं था कि वुमेन्स भी क्रिकेट खेलती है, लेकिन आजकल मीडिया इतना अच्छा है कि मीडिया कवरेज अच्छा होता है कि उनको पता चल, पूरा देश देख सकता है कि वुमेन्स का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आया था, तो काफी लोगों ने उसमें, मैंने देखा कि उसमें काफी सारे लोग उसमें देख रहे थे और काफी अच्छे रिव्यूज मिले थे, तो और काफी सारे पेरेंट्स भी अभी यही चाहते हैं, मेरे मुझे काफी सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मुझे अपनी लड़की को क्रिकेट खिलाना है, मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ कौन से एकेडमी में स्टार्ट कर रहा हूँ, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये जो इतना बड़ा जो डिफरेंस मैं कहूँगी वुमेन्स क्रिकेट को लेके है, और आने वाले टाइम पे भी ये ऊपर ही जाएगा, ये नीचे कभी नहीं आएगा, और मेरे हिसाब से कुछ टाइम के बाद मेन्स क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट को दोनों को मेरे हिसाब से सेम लेवल से देखना शुरू कर देंगे लोग। और मैम आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है क्रिकेट में? अभी तो मेरा फ्यूचर प्लान फिलहाल ये है कि मैं कमबैक करना चाहती हूँ अपनी टीम में, जो कि अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ, और मैं उसके लिए काफी हार्डवर्क कर रही हूँ। अभी तो मैंने फिलहाल यही सोचा है कि मुझे अपनी कंट्री के लिए दोबारा से वापस जाना है, और उससे आगे अभी मैंने कुछ खास सोचा नहीं। और कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है राइट? आप एज को देख रहे हैं? नहीं, एज रिस्ट्रिक्शन इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप फिट हो तो आप खेल सकते हो, अगर आप फिटनेस आपके साथ है तो, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आप 30 प्लस नहीं खेल सकते, 35 प्लस नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप फिट हो तो आप परफॉर्म कर सकते हो, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपनी टीम के लिए, अपनी स्टेट के लिए आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो इसलिए इसमें एज रिस्ट्रिक्शन का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर आप फिट हो तो आपको खुद ही लोग अच्छा समझ के आपको सिलेक्ट करेंगे, आपको चांस देंगे खेलने का। श्लोक को पता है कि आप क्रिकेटर हो, उसे इतना पता चलता है इस बारे में? हाँ, उसको पता है मैं क्रिकेट खेलती हूँ, और उसको ये भी पता है कि मैंने एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ है, वो भी मुझे बोलता है कि मुझे भी क्रिकेट खेलना है, आप मुझे भी खिलाया करो। इवन मैं जब अपना वर्कआउट करती हूँ डेली, अभी होम वर्कआउट ही कर पा रही हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो वो मेरे साथ हमेशा रहता है वर्कआउट करने के लिए, माँ मुझे भी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, मुझे भी कराओ, मुझे फिट बना दो, मुझे अपने जैसा फिट बना दो, जो कि उसके पापा ने उसको सिखा दिया है कि आप ऐसे बोला करो मम्मा को, तो वो भी ये लैंग्वेज यूज करता है कि मुझे भी फिट बना दो मम्मा, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो काफी इंटरेस्टेड है क्रिकेट खेलने में। और मैम आपकी अपने हस्बैंड के साथ क्रिकेट रिलेटेड कन्वर्सेशंस होती है अपनी गेम के बारे में? हाँ, मेरी हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से क्रिकेट रिलेटेड कन्वर्सेशंस होती है, और मेरे हिसाब से क्रिकेट की कन्वर्सेशन ही हम लोगों में ज्यादा होती है, क्योंकि उनको मेरे हस्बैंड को स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन शादी के बाद उनको क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है कि वो भी यही पूछते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, उनको सब अभी तक उनको काफी नॉलेज काफी बढ़ गई है क्रिकेट की, तो वो काफी इस बारे में इंटरेस्ट दिखाते हैं अभी। और मैम लॉर्ड्स के अलावा और कोई अल्टीमेट गोल है अभी फिलहाल दिमाग में, या फिर लॉर्ड्स एंड कमबैक दैट्स इट? नहीं, मैं फिलहाल तो अभी तो जैसे अभी मैं फिट हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, अपने कंट्री के लिए कमबैक करना चाहती हूँ, तो मैं हार्डवर्क कर रही हूँ,
और जैसा कि एक हर चीज हमेशा नहीं रहती, अगर फिलहाल जैसे अगर मैं क्रिकेट नहीं भी खेलूंगी तो मैं क्रिकेट से हमेशा जुड़ी रहूंगी किसी ना किसी वे में। अपने बेटे को भी मैं चाहती हूँ क्रिकेट खिलाऊं, तो उसके लिए भी मेहनत करती रहूंगी और क्रिकेट फील्ड में ही मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रहूंगी ताकि मैं अपने क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूर ना जाऊं। और मैम आपकी जर्नी, आपकी जो स्टोरी है उसमें हम कह सकते हैं यूनिवर्स ने एक चीज फिक्स कर दी है कि नेहा क्रिकेट से दूर जा सकती है लेकिन क्रिकेट नेहा से दूर नहीं जाएगा।